गले और मुंह के कैंसर हमारे देश के सबसे कॉमन कैंसर में से एक है और कॉमनली ये कैंसर स्टेज 4 पे ही पकड़े जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस स्टेज पे भी इन कैंसर का इलाज पॉसिबल है? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रणजीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑंकोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, हमारे देश में तंबाकू के हैवी इस्तेमाल के कारण मुंह के और गले के यानी माउथ ओरल टंग एंड लैरिंजियल कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है और प्रॉब्लम क्या है कि ये कैंसर बॉडी के अंदर स्लोली ग्रो करते हैं, तो कई बार आदमी को पता ही तब चलता है जब ये कैंसर एक एडवांस स्टेज में हो जाते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का एक टॉपिक है कि स्टेज 4 के गले और मुंह के कैंसर के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है और इन कैंसर से कैसे इलाज करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है कि हमें समझना चाहिए कि स्टेज 4 से हमारा क्या मतलब है। जो गले और मुंह का कैंसर है, हेड एंड कैंसर, इसमें स्टेज 4 बाकी कैंसर के स्टेज 4 की तरह नहीं होता। इसमें स्टेज 4 को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होता है 4A। 4A वो कैंसर होते हैं जो लोकल साइट पे ही है, मतलब उधर से लोकल एरिया से फैले नहीं है पर आसपास के अंगों में घुसना शुरू हो गए हैं, जैसे कि हड्डी, स्किन इत्यादि, जिसकी वजह से इनको ये लोकल एरिया में और फैल गए हैं, लोकली एडवांस्ड हो गए हैं या फिर गर्दन में गांठों में फैल गए हैं। तो दोस्तों, स्टेज 4A में कई पेशेंट्स में सर्जरी पॉसिबल है और रेडिएशन भी पॉसिबल है, तो इन पेशेंट्स को यूजली सर्जरी और रेडिएशन से ट्रीट किया जाता है। 4B वो पेशेंट है जिनके कैंसर 4A से आगे बढ़ गया है, जिनमें गर्दन में लिम्फ नोड और ज्यादा इन्वॉल्व है या कुछ सेंसिटिव एरिया ऑफ द बॉडी जैसे कि बेस ऑफ स्कल जो कि दिमाग के पास का एक एरिया होता है या मैस्टिकेटर्स में जाके बॉडी के चबाने का मसल लोकेटेड है वहां फैल गया है, तो इन कैंसर में यूजली सर्जरी पॉसिबल नहीं होती पर कई केसेस में इन कैंसर में भी रेडिएशन पॉसिबल होती है और ज्यादातर इन पेशेंट्स का रेडिएशन से इलाज अटेम्प्ट किया जाता है। और स्टेज 4C में वो पेशेंट आते हैं जिनमें बीमारी और आगे फैल गई है, जैसे कि लंग में, बोन में, लिवर में इत्यादि, और ये बीमारी स्प्रेड मेटास्टैटिक लाइव वाज बीमारी मानी जाती है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में आज जो हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे मेनली उन कैंसर का डिस्कस करेंगे जिनमें या तो डिजीज 4C स्टेज में है या डिजीज 4A या 4B स्टेज में है और सर्जरी या रेडिएशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि इनका मेडिकल थेरेपी से ही इलाज की जरूरत होती है। तो दोस्तों, इन कैंसर्स के ट्रीटमेंट का आज के जमाने में यानी 2020 में तीन मेन ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल की जाती है जिनको हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी। तो इन ट्रीटमेंट्स के कॉम्बिनेशन या सिक्वेंशियल यूज से इस बीमारी को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन ट्रीटमेंट्स को समझें। तो नंबर वन ट्रीटमेंट है टारगेटेड थेरेपी। तो टारगेटेड थेरेपी से हमारा तात्पर्य है ये कुछ स्पेशल तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जो कैंसर को स्पेसिफिक टारगेटेड वे में किल करती है। फॉर एग्जांपल, यदि कैंसर के सेल में कोई स्पेशल डीएनए का चेंज है जो नॉर्मल सेल में नहीं है, तो टारगेटेड थेरेपी कोशिश करती है कि उस जेनेटिक अबनॉर्मलिटी की वजह से कैंसर सेल नॉर्मल सेल से जिस रीजन से अलग है उस सेल को टारगेट करके मारा जाए और नॉर्मल सेल को छोड़ दिया जाए। एडवांटेज ये होता है कि ये थेरेपीज जनरली जो कि स्पेसिफिकली कैंसर सेल को मारती है, इनके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं और बेनिफिट काफी अच्छा होता है, तो इन ट्रीटमेंट्स को हम टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। यदि हम हेड एंड नेक कैंसर की बात करें यानी मुंह और गले के कैंसर की बात करें तो मेनली इसमें दो टारगेटेड थेरेपी यूज की जाती है। पहली टारगेटेड थेरेपी को हम बोलते हैं ओरल मेट्रोनोमिक थेरेपी। तो ओरल मेट्रोनोमिक थेरेपी यानी OMT का मतलब होता है ये कुछ स्पेशल तरह की गोलियों का कॉम्बिनेशन है जो स्पेसिफिकली कैंसर में होने वाली एबनॉर्मलिटी को टारगेट करती है जिससे कि कैंसर सेल कंट्रोल हो और उसका ग्रोथ रुक जाए। ये थेरेपी की कई एडवांटेजेस है, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, पेशेंट आराम से घर पे बैठ के गोली खा सकता है, फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स की जरूरत नहीं है और साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होते, इसलिए आज की एरा में ये थेरेपी है जिसकी पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक दूसरी तरह की टारगेटेड थेरेपी होती है जिसको बोलते हैं IV anti-GGFR targeted therapy। ये एक स्पेशल तरह के इंजेक्शन होते हैं जो कैंसर सेल में प्रेजेंट एबनॉर्मलिटी को टारगेट करके उसको किल करते हैं। जो इंट्रावीनस टारगेटेड थेरेपी है उसका भी इस्तेमाल कुछ स्पेशल सिनेरियो में यूज होता है, परंतु आज की इरा में इंट्रावीनस टारगेटेड थेरेपी धीरे धीरे इम्यूनोथेरेपी से रिप्लेस होती जा रही है और इसका यूज कम होता जा रहा है और ओरल मेट्रोनोमिक टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का यूज बढ़ता जा रहा है। दूसरी थेरेपी जिसकी हम बात करेंगे वो है इम्यूनोथेरेपी। तो दोस्तों, इम्यूनोथेरेपी के हमारे चैनल पर अन्य वीडियोस भी है,
पर मोटा मोटा कहा जाए तो इम्यूनोथेरेपी कुछ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है जिससे हम बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल से अटैच कराते हैं ताकि वो इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को मार सके। जैसे जैसे कैंसर बॉडी में बढ़ता है वो खुद को इम्यून सिस्टम से बचाने के तरीके ईजाद करते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी कुछ स्पेशल तरह की दवाइयां होती है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैंसर से अटैच करने में हेल्प करती है ताकि वो इम्यून सिस्टम कैंसर को मार सके। इम्यूनोथेरेपी के कई एडवांटेजेस होते हैं, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, ये एक नेचुरल तरीका है कैंसर को मारने का। और इम्यूनोथेरेपी का इफेक्ट जिन पेशेंट में होता है यूजली लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। परंतु हेड एंड नेक कैंसर में यूज होने वाली इम्यूनोथेरेपी का मेन डिमेरिट है कि ये कॉस्टली थेरेपी है। हालांकि धीरे धीरे इस थेरेपी का कॉस्ट कम हो रहा है, ये हमारे पेशेंट्स के लिए मोर एंड मोर एक्सेसिबल ओवर टाइम होती जा रही है। थर्ड थेरेपी जिसकी हम बात करेंगे उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो दोस्तों स्टेज 4C एडवांस हेड एंड नेक कैंसर में क्लासिकली सबसे कॉमन और सबसे फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली थेरेपी कीमोथेरेपी ही रही है। कीमोथेरेपी कुछ दवाइयां है जो कैंसर सेल को मारती है। यह थेरेपी का मेजर एडवांटेज ये है कि एक रेडिली अवेलेबल थेरेपी है, कि छोटे शहरों में भी छोटे गांव में भी अवेलेबल है और इसका कॉस्ट कम होता है। परंतु इस थेरेपी का डिसएडवांटेज ये होता है कि इसके कई साइड इफेक्ट्स होते हैं जो पेशेंट अवॉइड करना पसंद करते हैं और यूजली इसका ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट शॉर्ट होता है। परंतु कीमोथेरेपी का भी अपना एरिया है हेड एंड नेक कैंसर के ट्रीटमेंट में। कई पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी को हम टारगेटेड थेरेपी से कंबाइन करके भी देते हैं, यानी कीमोथेरेपी प्लस टारगेटेड थेरेपी या कीमोथेरेपी प्लस इम्यूनोथेरेपी भी कई केसेस में यूज की जाती है और कई केसेस में हम पेशेंट को सिर्फ कीमोथेरेपी भी यूज करते हैं। तो हर ट्रीटमेंट का अपना रोल है और अलग अलग पेशेंट में अलग अलग ट्रीटमेंट यूज की जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सी ट्रीटमेंट किस पेशेंट में सही रहेगी वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ट्यूमर कितना फैला हुआ है, किस टाइप का है, ट्यूमर में बायोमार्कर्स कौन से है, ट्यूमर में जेनेटिक लिमिट्स कौन सी है और पेशेंट कितना फिट है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक क्वालिफाइड मेडिकल ओंकोलॉजिस्ट से बात करें ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है और पेशेंट को कौन सी ट्रीटमेंट मैक्सिमम फायदा विद मिनिमम साइड इफेक्ट एंड मिनिमम कॉस्ट दे पाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको यूजफुल जानकारी मिली होगी। डेफिनेटली हो सकता है कि आपके कई क्वेश्चंस हैं जो हमने इस वीडियो में आंसर नहीं कर पाए हो, तो इन चीजों के लिए स्क्रीन पर डिस्प्लेड हमारे सोशल मीडिया चैनल से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। दोस्तों हमारे चैनल का पर्पज ये है कि वर्ल्ड में जो लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड कैंसर के ट्रीटमेंट्स हैं उन ट्रीटमेंट्स का फायदा हमारे देशवासियों को भी मिले, हमारे पेशेंट्स को मिले उनकी भाषा में। तो हमारा पर्पज ये है कि इंडिया एज अ कंट्री कैंसर ट्रीटमेंट में पीछे नहीं रहे और जो भी न्यूएस्ट डिस्कवरीज और न्यूएस्ट रिसर्चेज है उन ट्रीटमेंट्स का फायदा हमारे पेशेंट्स को भी मिले। तो यदि आप कैंसर के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।